Hi guys, my name is Abneesh Kumar. Today we are going to cover a very important geography. I'm teaching in CDF Coaching Institute. It is in Lucknow, and primarily for the student who's doing preparation for Sainik and Military Defense exam. And this is the coaching institute who's providing the adequate and sufficient guidance to the student who want to secure their career, especially in armed force. Now today we are going to cover an important topic of geography, that is India location. आज हम लोग कवर करेंगे एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंडिया लोकेशन। इंडिया की क्या लोकेशन है, है ना, व्हाट इज इंडिया साइज, इंडिया का साइज क्या है, समर एंड हाउ द क्वेश्चन बीइंग आस्क बाय कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर, समर है। तो इंडिया लोकेशन, तो व्हाट इज द लैटिट्यूशनल एंड लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट ऑफ अवर कंट्री, हमारे कंट्री का लैटिट्यूशनल एंड लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट क्या है। India is, you people is aware, this is our country India, the latitudinal and longitudinal extent of our country, and going to, you know, determine and understand what is the location of our country, हमारे country की location क्या है, latitudinal and longitudinal extent क्या है। But before understand this topic, let explain some other topic as well। देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है, हम अपने country की location समझने से पहले कुछ basic चीज़ें देखें। जैसे this is our planet earth, दिस इज ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर प्लेनेट अर्थ। सपोज ये हमारा प्लेनेट अर्थ, दिस लाइन इज, यू अवेयर दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, इस लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। दिस लाइन विच इज जीरो डिग्री, दिस इज जीरो डिग्री लाइन एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। दिस लाइन डिवाइड अवर अर्थ इन टू टू इक्वल पार्ट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज इक्वेटर, हिंदी में इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ऐसी लाइन जो भू के मध्य से जाती है, जो हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, है ना, ये आपका हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी अर्धगोला, ये हो गया दक्षिणी अर्धगोला। दिस इज द लाइन विच इज जीरो डिग्री, इसको इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। The line which is above your equator, it is known as Tropic of Cancer. इस line को Tropic of Cancer कहते हैं, हिंदी में इसको कर्क रेखा बोलते हैं। This is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. And this line which is 23.5 degree south of equator, this is called Tropic of Capricorn. इसको Tropic of Capricorn कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको मकर रेखा कहते हैं, हिंदी में इसको मकर रेखा कहते हैं। दिस इज 23.5 डिग्री साउथ लेटिट्यूड, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड एंड दिस इज जीरो डिग्री। दिस इज लाइन, दिस इज 23.5 डिग्री लाइन डिवाइड अवर अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट। दिस थ्री लाइन, यू नो, दे आर इमेजनरी लाइन, नॉट फाउंड इन रियल सेंस ऑन अवर प्लेनेट अर्थ। ये इमेजनरी लाइन है, ये रियल सेंस में हमारे प्लेनेट अर्थ पे नहीं होती, पहले तो इस चीज को आप समझिए। दे आर एक्चुअली, यू नो, दे आर डिटरमाइंड बाई द पीपल, है ना, टू डिटरमाइन द लोकल क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन। ये लाइने इमेजनरी लाइन है, इनको इसलिए डाला गया है या इनको इसलिए समझा गया है कि किस टाइप की क्लाइमेट हमारे प्लेनेट अर्थ में मिलती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ये जो इमेज है, दिस इज रिजेंबल्स द शेप ऑफ अवर अर्थ। आप देखिए बगल में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दिस इज द ट्रू इमेज ऑफ अवर अर्थ इज गिवन, इसी टाइप के हमारी अर्थ है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो सबसे ऊपर की लाइन देख रहे हैं 23.5 डिग्री, दिस इज डिवाइड अवर कंट्री इन टू टू इक्वल पार्ट, ये हमारे कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर, है ना। देखो
इंडिया के बीचों बीच से जाती, सदर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में दो पार्ट में डिवाइड करती है। एंड दिस इज गोइंग थ्रू एट स्टेट ऑफ अवर कंट्री। इंडिया के एट स्टेट से होके जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, है ना। और इक्वेटर, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑन अवर प्लेनेट अर्थ। हमारे अर्थ पे सबसे बड़ी कोई लाइन है तो उसको इक्वेटर कहते हैं। जो लाइन स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे जो बीच से जाती है, इसको इक्वेटर कहते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड करती है, जैसे टोल्ड यू, जैसा कि हमने देखा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज द लॉन्गेस्ट लाइन, सबसे बड़ी लाइन है प्लेनेट अर्थ पे। नाउ द काउंट इज बिगन फ्रॉम दिस लाइन। देखो हम लोग लेटीट्यूड्स, इन्हीं को लेटीट्यूड्स बोलते हैं। ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इन्हीं को हम लोग लेटीट्यूड्स बोलते हैं। एंड काउंट इज बिगन फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से हम लोग इनको काउंट करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री नॉर्थ, जैसे इक्वेटर से 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री, ऐसे यहाँ से 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ऐसे काउंट करते हैं। क्लियर? तो देखिए, व्हाट इज द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन क्या है, हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय रीजन। तो व्हाट इज द उष्णकटिबंधीय रीजन, उष्णकटिबंधीय रीजन क्या है भाई, किस टाइप की क्लाइमेट मिलती है। 0 to 10 degree नॉर्थ एंड 0 to 10 degree साउथ। ये 0 से 10 degree नॉर्थ में और 10 degree साउथ में, स्क्रीन पे जो इमेज है आप वहां पे विजुलाइज कर सकते हैं। बीच की लाइन है उससे 10 degree नॉर्थ और 10 degree साउथ में जो भी रीजन आएगा हमारे अर्थ पे, वो पूरा ट्रॉपिकल रीजन, वो पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। और 10 degree के बियॉन्ड जो रीजन आएगा, 10 degree टू रफली 30 degree, उसको हम सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। 0 to 10 degree ट्रॉपिकल एंड 10 to 30 degree इज सब ट्रॉपिकल, है ना। हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय एंड उपोष्णकटिबंधीय रीजन। तो इंडिया की क्लाइमेट क्या है, 23.5 degree एंगल इज डिवाइडिंग अवर कंट्री टू इक्वल पार्ट, हमारे कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड करती है। और गोइंग थ्रू एट स्टेट से होके जाती है। इन एट स्टेट को पूछा जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कि किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा निकलती है। या कभी कभी ऐसे पूछते हैं, आउट ऑफ दीज थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नॉट पासिंग, विच स्टेट से पास नहीं होती है। तो इफ यू पीपल इज नॉट अवेयर, देन इट इज नॉट इजी फॉर यू टू डिटरमाइन टू फाइंड अ करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स याद रखने पड़ेंगी। जैसे एक उसकी ट्रिक ये है, जी आर टी एम के डब्ल्यू बी टी एम, दीज आर द एट स्टेट थ्रू विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग इन अवर कंट्री। तो जी इज फॉर गुजरात एंड आर फॉर राजस्थान, टी फॉर छत्तीसगढ़, एम फॉर मध्य प्रदेश, जे फॉर झारखंड, डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल एंड टी फॉर तमिलनाडु, एम फॉर